सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले IGL यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। इससे पहले जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो स्टॉक 500 के करीब ट्रेड कर रहा था। विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया, यानी ये स्टॉक आगे जाके भी और ऊपर जा सकता है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में गैस के प्राइस बढ़ने का एक चांस है, एंड ऐसा भी कह जा रहा है कि नेचुरल गैसेस जो है उनके प्राइस 70% तक बढ़ सकते हैं, उनका सीधा बेनिफिट सारे गैस स्टॉक को मिलेगा। ऑलरेडी गेल में हमने अच्छा खासा अपसाइड देखा। नाउ इंद्रप्रस्थ गैस इज अ वेरी चीप वैल्यूएशन स्टॉक। अगर इसका हम हाई देखें, 602 जो का आज का हाई है, वहाँ से स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन दिया है। एंड अगर 52 वीक्स लो देखें वो 364 है। इट्स अ वेरी गुड डिफेंसिव स्टॉक। अगर मार्केट कैप देखें 41,500 करोड़ के ऊपर है। स्टॉक का जो PE है वो 29 का है, एंड जो इंडस्ट्री PE है यानी सेक्टर PE वो 51 का है। यानी अपने सेक्टर PE से स्टॉक बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब सबसे पहले हम इसके टेक्निकल एंड देन फंडामेंटल चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। टेक्निकली अगर इसको एनालिसिस करें तो टेक्निकल जो मेन जो इंडाइसिस है जिसे हम RSI या MFI कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू बोथ दिस इंडेक्स ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है। RSI के में इसका स्कोर आता है 75.6, 70 के ऊपर स्टॉक इज वेरी ओवरबॉट एंड 30 के नीचे ओवरसोल्ड, एंड अकॉर्डिंग टू MFI स्कोर आता है 90। तो शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, इसीलिए 602 का हाई मारने के बाद स्टॉक में हमने 2% का करेक्शन भी देखा है। सो अगर इसका हम रिटर्न देखें, 1 month में 10%, 3 month में 10%, 6 month में 16%, 1 year में 47% एंड 3 years में 120%। तो रिटर्न वाइज स्टॉक इज अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर। अगर इसका हम 30 day, 50 day, 100 day एंड 200 day सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखे तो स्टॉक ने अपने सारे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को बीट किया है, उसके बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। सबसे नियर बाय जो 220 day ये में आता है वो 552 का है, एंड स्टॉक उससे भी 10% ऊपर एट दैट मोमेंट है। सो नाउ ये एक बुलिश इंडिकेशन है। सो अकॉर्डिंग टू RSI एंड MFI शॉर्ट टर्म में स्टॉक इज ओवरबॉट, करेक्शन में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली बाय कीजिए, बट स्टॉक का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। सो किसी भी करेक्शन में आप इस स्टॉक पे अपने पोजीशन को बना सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। अगर आपको ट्रेडिंग ही करना है तो बहुत ज़्यादा करेक्शन पे आप स्टॉक को बाय करना होगा। नाउ अगर इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो स्टॉक का रेजिस्टेंस ये 600, जिसको स्टॉक ने टच किया और उसके बाद स्टॉक में हमने 2% का करेक्शन देखा है। तो 602 इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। अगर इसको ये स्टॉक बीट करता है तो इसके ऊपर 613 देन 632 का रेजिस्टेंस है। एट दैट मोमेंट अगर स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो सबसे नियर बाय स्टॉप लॉस 572 का है, जो बहुत दूर है। सो एज अ ट्रेडर आप 580 का भी स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को ट्रेल कर सकते हो, बट 572 इज अ वेरी नियर बाय स्टॉप लॉस जो कि यहाँ से भी नियर अबाउट 3-4% दूर है। देन 553 एंड 542 जो कि बहुत दूर है, इतना दूर का स्टॉप लॉस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का कोई जरूरत नहीं है, आप बिना स्टॉप लॉस के स्टॉक में अपने पोजीशन बना सकते हो। मिनिमम 1 year का आपको हॉराइजन रखना पड़ेगा, एंड बीइंग अ ट्रेडर देन 580-572 इज अ स्टॉप लॉस फॉर यू। 602 इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो स्टॉक आगे वाले टाइम में और भी ऊपर की तरफ यानी 650 की तरफ भी जाएगा। सो इस पर्टिकुलर लेवल को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अब हम जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल चीज। एज आई नो इंद्रप्रस्थ गैस इज अ वेरी बिग कंपनी, बिकॉज 41,000 के ऊपर करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी को हम छोटा नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो इसका मेन राइवल जो है वो महानगर गैस है, क्योंकि दोनों का बिजनेस पैटर्न सेम है। अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम अदानी गैस का पी देखें वो सबसे एक्सपेंसिव है। GAIL का पी हमेशा से 10 से नीचे रहता है, बट दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग और वेरी बिग इन्वेस्टमेंट स्टॉक। अगर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग बोथ पर्पज के लिए आपको देखना है सो इंद्रप्रस्थ, पेट्रोनेट एंड महानगर गैस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट अकॉर्डिंग टू पी महानगर गैस का पी इससे ज़्यादा चीप है, बट इंद्रप्रस्थ गैस का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, एंड मार्केट कैप वाइज इट्स अ बिग कंपनी है, इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। महानगर गैस इज ऑनली 11,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी। नाउ अगर इसका हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें सो 24 के करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम डिसेंट कहेंगे कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। एंड इस सेक्टर में पेट्रोनेट एनर्जी जैसा कंपनी है, पर यह स्टॉक बहुत ही टाइम से एक ही रेंज पे कंसोलिडेट करता है, एंड ये स्टॉक ने उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया टू दैट इन्वेस्टर जितना कि इंद्रप्रस्थ गैस ने दिया, एंड ये स्टॉक अपने लाइफ हाई के बहुत ज़्यादा करीब भी है। नाउ अगर इसका फंडामेंटल रिजल्ट देखें तो रिजल्ट जो है जून क्वार्टर का थोड़े खराब रहे कंपेयर टू मार्च, 1,257 करोड़ का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 381 करोड़ जो कि दिसंबर में 501 एंड मार्च में ऑलमोस्ट 500 करोड़ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 364 करोड़ का है।
जो कि लास्ट क्वार्टर में 484 करोड़ का था, एंड नेट प्रॉफिट 278 करोड़ अगेंस्ट 375 करोड़। सो प्रॉफिट में भी नियर अबाउट 100 करोड़ का डिक्लाइन हम देख सकते हैं, जिस कारण स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा था, एक रेंज भी ये कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन आने वाले टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से गैस के प्राइस बढ़ने का चांस है, उसका सीधा बेनिफिट इन सारे गैस स्टॉक को मिलेगा, एंड अभी से मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। एंड जो अपकमिंग रिजल्ट भी आएंगे गैस प्राइस हाइक के कारण, इनके रिजल्ट में भी अच्छा खासा सुधार आएगा, एंड जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। सो ऑब्वियसली मार्केट इस सारे फैक्टर को डिस्काउंट कर रहा है। सो आने वाले टाइम में स्टॉक में हम अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हैं, थोड़ा करेक्शन में मिले तो अच्छा है, अगर करेक्शन में ना भी मिले तो 600 के करीब भी यह स्टॉक बुरा नहीं है। अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर्स के पास 45% का स्टेक है, एफआईआई होल्डिंग ऑलमोस्ट 24% का स्टेक है, एफआई बहुत ज्यादा बुलिश है, डीआई का भी ऑलमोस्ट 15% का स्टेक है, गवर्नमेंट का भी 5% का स्टेक, एंड लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 11%। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड। सो ये था आईजीएल को लेकर मेरा एनालिसिस। शॉर्ट टर्म में स्टॉक इज ओवरबॉट, बट कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अपसाइड हम एक्सपेक्ट करते हैं, एंड मार्केट उसको पहले से ही डिस्काउंट करता है। सो एज अ इन्वेस्टर आप किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हो, करेक्शन में अगर मिलता है तो देन इट्स गुड, अगर ना भी मिले तो भी आप लॉन्गर हॉरिजन के लिए इसी प्राइस पे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। बिना ट्रेडर अगर थोड़े करेक्शन में मिलता है तो अच्छा है, अदरवाइज 590 इज ऑल्सो नॉट अ बैड लेवल, 602 इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।